हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सैनमेयर रिएक्शन। सबसे पहले हम ब्रीफली देखेंगे कि ये रिएक्शन क्या है, उसके बाद हम इस रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सैनमेयर रिएक्शन में एनिलीन से हमें एरिल हैलाइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है, तो इस रिएक्शन को हम सैनमेयर रिएक्शन कहते हैं। बट इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले एनिलीन को हम डायजोनियम सॉल्ट में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, फिर उस डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम एक कैटलिस्ट से करवाते हैं और उसके बाद हमें एज अ प्रोडक्ट एरिल हैलाइड मिल जाता है। तो इस रिएक्शन को सैनमेयर रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस रिएक्शन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो एक स्विस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूकॉट सैनमायर। तो उन्होंने 1884 में वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट उनका मतलब जो इंटेंशन था वो एरिल हैलाइड बनाना नहीं था, वो ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट करे थे जिसमें उनको एक अलग ही प्रोडक्ट चाहिए था, बट वो डायजोनियम सॉल्ट और क्यूप्रस कोई सॉल्ट वगैरह था उसके साथ रिएक्शन कर रहे थे, तो ये एरिल हैलाइड मिल गया। तो उसके बाद से इस रिएक्शन को उनके नाम से जाना जाता है, उनके नाम पर रिएक्शन का नाम पड़ा, सैनमेयर रिएक्शन। तो ऐसे इस रिएक्शन की डिस्कवरी हुई। अब ये जो रिएक्शन होती है, सैनमेयर रिएक्शन, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और सब्स्टिट्यूशन में भी स्पेसिफिकली ये क्या है, एक रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा है कि ये इसमें जो इंटरमीडिएटरी यूज होते हैं वो फ्री रेडिकल्स होते हैं, और बाकी तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है, उसका सब्स्टिट्यूशन होता है। और ये जो सैनमेयर रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है। तो कोई भी जैसे कि कंपाउंड होता है, कोई भी दो जैसे कि ये कंपाउंड है, तो यहाँ पे ये दो भी एलिमेंट है और इनके बीच में बॉन्ड है। तो जब इस बॉन्ड का फ्यूजन होता है मीन्स ये बॉन्ड जब टूटता है, तो ये क्या, इस बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जब बॉन्ड टूटता है तो दो तरीके से टूटता है, इसका फ्यूजन होता है दो तरीके से फ्यूजन होता है, होमोलाइटिक फ्यूजन और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। और होमोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है, ये दो स्पीसीज है, तो इसमें जब बॉन्ड का ब्रेकेज होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वली दोनों एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब इससे क्या होगा, ये ए के पास एक इलेक्ट्रॉन और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ओके, तो किसी भी बॉन्ड का जब होमोलाइटिक फ्यूजन होता है तो हमें जो बाद में जो स्पीसीज मिलता है, जो भी एलिमेंट मिलता है, और उसके पास क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, हम फ्री रेडिकल। और दूसरा हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, उसमें क्या होता है कि अब इस दो इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक जो स्पीसीज है ये क्या करेगा, यही दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, दूसरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, ये बी के पास तो दो इलेक्ट्रॉन आ गया, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और जो ए है वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गया। तो ये जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसी तरह से आयंस का फॉर्मेशन होता है किसी भी रिएक्शन में, आया समझ में। तो एक तो अगर होमोलाइटिक फ्यूजन होगा तो क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, या मतलब दोनों के पास इक्वल इलेक्ट्रॉन्स है, ना तो किसी के पास ज़्यादा है ना किसी के पास कम है, दोनों के पास इक्वल है, यहाँ पे आयंस नहीं बनेंगे, यहाँ पे आयन नहीं है, तो ये क्या होगा, फ्री रेडिकल्स। और जब एक स्पीसीज दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दूसरे के पास कुछ भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, आयंस बन गए, तो यहाँ पे क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। और देखते थे कि ये तो फ्री रेडिकल्स हो गया, अब मैकेनिज्म क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो किसी भी कोई भी रिएक्शन होती है वो कभी भी एक स्टेप में कभी भी नहीं होती, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, और फिर जाके उन स्टेप्स की मदद से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो उस किसी भी रिएक्शन की वो छोटे छोटे स्टेप्स, सारे जितने भी स्टेप्स, जैसे कि बॉन्ड का ब्रेक होना, इंटरमीडिएटरी का बनना, फिर जैसे कि ये फिर अटैक करेगा दूसरे सबस्ट्रेट को, तो इस तरह से जो भी छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उन सभी स्टेप्स को मिला के हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन की मैकेनिज्म बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होगा, ऐसी मैकेनिज्म जिसमें क्या होता है, ये फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है।
जब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगी हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जब आयंस का फॉर्मेशन होगा किसी भी रिएक्शन में एज ए इंटरमीडियरी, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयनिक। ये दो तरह की मैकेनिज्म, एक और होती है पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म, वो भी हम हमारे कुछ काम की नहीं है। ये दो समझ लिया, ये बेसिक है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और आयनिक मैकेनिज्म। तो ये जो सेल में रिएक्शन होता है इसमें हम क्या फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसका मतलब यह क्या होगा, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा इसकी मैकेनिज्म में। इसकी मैकेनिज्म भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो इस रिएक्शन को देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से हमने रिएजेंट्स यूज़ किए हैं और क्यों किए, उनका क्या रेलेवेंस है हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली इसमें क्या होता है, दो स्टेप्स होते हैं कि एनिलीन क्या होता है डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है एरिल हैलाइड में। तो ये दो स्टेप हो गए, पर यहाँ पे एक और स्टेप होता है, वो सबसे पहले होता है कि यहाँ पे और ये एनिलीन क्या करता है, NaNO2+HCl हमने यहाँ पे रिएजेंट्स लिए, इसके साथ रिएक्ट करेगा। पर यहाँ पे डायरेक्टली ये NaNO2 और HCl इस एनिलीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसका रीज़न क्या है, बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, HNO2 नाइट्रस एसिड। ओके बट ये जो नाइट्रस एसिड होता है ये क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, और वीक है तो ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल तो इसको ना तो हम प्रिजर्व कर सकते हैं ना ही स्टोर कर सकते हैं। फिर हम ऐसे दो रिएजेंट्स ले लेते हैं कि वो रिएक्शन के टाइम पे ही हम उनको यूज़ करेंगे और उससे हमें इंस्टेंटली क्या होगा, ये नाइट्रस एसिड मिल जाएगा, ताकि हमें ना तो इसे प्रिजर्व करना पड़े ना ही इनको हमें स्टोर करना पड़े। तो जैसे कि ये हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हमारा यहाँ जैसे मान लो ये एनिलीन है, तो हम क्या करते हैं रिएक्शन में, क्या करते हैं ये NaNO2+HCl को डाल देते हैं, इसी हम इस टेस्ट में डाल देते हैं, और यहाँ पे ये दोनों रिएक्ट करके हमें क्या दे देते हैं, HNO2 नाइट्रस एसिड दे देते हैं। डिकम्पोज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो डायरेक्टली इंस्टेंटली हम क्या करते हैं रिएक्शन में ये नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये नाइट्रस एसिड है ये भी इस एनिलीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, यहाँ पे नाइट्रस सोनियम आयन जो इस नाइट्रस एसिड से हमें मिलता है वो इस एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है। तो वो अभी हम आगे देखेंगे कि वो क्या होता है। सेकेंडली यहाँ पर ये टेम्परेचर दिया हुआ है 0°C से 5°C। अब ये टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर मीन्स क्यों रखा गया है स्पेसिफिकली, इसका रीज़न ये होता है कि जब ये रिएक्शन होती है ना, जब ये एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है एक्सप्लोसिवली। तो इसीलिए हमें तो डाइजोनियम सॉल्ट चाहिए रिएक्शन में, आगे रिएक्शन को फर्दर बढ़ाने के लिए ये चाहिए सॉल्ट, और ये डिकम्पोज हो जाएगा तो फिर रिएक्शन कैसे होगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, 5°C से कम टेम्परेचर रखना पड़ता है, इसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0°C से भी कम नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि ये जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है 0°C के नीचे ही इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तो वो भी हमें नहीं चाहिए, हमें इसे एक ये एक्वस फॉर्म में चाहिए। तो इसीलिए ये जो इसका टेम्परेचर है ये स्पेसिफिक होता है 0°C से 5°C के बीच में। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो ये एनिलीन है, एनिलीन को हम डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद डायजोनियम सॉल्ट से हमें एरिल हैलाइड मिलता है। ओके तो क्या रीज़न है कि ये डायजोनियम सॉल्ट से एनिलीन को डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, हम डायरेक्टली एनिलीन की ये जो हमारा जो हैलाइड इसके साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते क्या, डायरेक्टली हम करवा सकते हैं, बीच में ये डायजोनियम सॉल्ट को हमने, रीज़न ये है कि ये जो NH2 है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस NH2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, फिर जाके हमारा जो हैलाइड है यहाँ पे आके जुड़ेगा और हमें एरिल हैलाइड मिलेगा। तो पर यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि ये जो NH2 होता है ये क्या होता है, ये वीक लिविंग ग्रुप होता है। तो अगर बाय चांस इसको हमने सब्स्टिट्यूट भी कर लिया, तो ये जो NH2 होता है ये क्या होता है, एनवायरमेंट में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ओके तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ये बेंजीन के साथ बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, ये यहीं पर रहेगा, ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एनिलीन को ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो ग्रुप क्या है, इजिली मतलब वो जो अच्छा लिविंग ग्रुप हो। ओके जो एनवायरमेंट में वो स्टेबल है, हम क्या करते हैं इसको डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। और देखिए डायजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, यहाँ पे दो एन मीन्स N2 नाइट्रोजन। ओके तो नाइट्रोजन तो हमें पता है हमारे एनवायरमेंट नाइट्रोजन भरपूर है, तो ये नाइट्रोजन क्या होती है, ये नाइट्रोजन इजीली क्या होती है, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो ये इजीली क्या होता है, रिलीज हो जाता है और यहाँ पे हम बेंजीन रिंग हमें मिल जाती है, और ये जो हमारा जो हैलाइड क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है और हमें एरिल हैलाइड मिल जाता है।
तो इसीलिए, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एनिलिन को पहले डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर डायजोनियम सॉल्ट को एरिल हैलाइड में। अब हम ये रिएक्शन को डिटेल में देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं कि हर एक स्टेप, जैसे कि बॉन्ड टूट रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, प्रोटॉन ऐड हो रहा है, वो चीज़ हर एक चीज़ क्या क्या इस रिएक्शन में, एक एक स्टेप को मैकेनिज्म के थ्रू में थ्रू हम देखेंगे। तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि जो सैंडमेयर रिएक्शन है उसमें हम कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अब हम देखेंगे कैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के यूज़ से हम इस रिएक्शन से हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, जो कि एरिल हैलाइड है, वो हमें मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी मैकेनिज्म। ओके, तो इसके मैकेनिज्म में तीन स्टेप होते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। मैंने आपको पहले बताया था कि जो एनिलिन होता है उसको, उस पर कौन अटैक करेगा, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रस एसिड नहीं करेगा, नाइट्रोसोनियम। जो नाइट्रस एसिड होता है वो क्या होता है, फिर नाइट्रोसोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है अब हम देखेंगे कि इस रिएक्शन में एक्चुअल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मीन्स कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए सी एल। आए समझ में यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस NO2 के साथ रिएक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो ऐसे आपको पता है आयन का होगा और ये हमें HNO मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि हमने HCl यूज़ किया हुआ, तो ये HCl की वजह से क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, एक प्रोटॉन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इस ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो जैसे कि पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, हाइड्रोजन को दे दिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये ऑक्सीजन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके पास, तो इसको क्या करना, अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ना, ये वाला, इसके जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्या होगा, यहाँ से एज अ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा H2O। ये पूरा H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया, और हमें अभी क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन का तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन ले लिया, तो नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका एक दूसरा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो भी है, इसको ये अभी यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मीन्स पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो गया, पहले नाइट्रोजन पे था फिर ऑक्सीजन पे आ गया इस तरह से। तो ये भी स्ट्रक्चर है और ये भी स्ट्रक्चर, दोनों इसका रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ये क्या करेगा, एनिलिन के साथ रिएक्शन करेगा। ओके, उसके बाद हमें डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा। और ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब हमारा सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, एनिलिन की रिएक्शन किससे होगी, नाइट्रोसोनियम, ये नाइट्रोसोनियम आयन से होगी। तो हम सेकेंड स्टेप करते हैं, हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। जैसे कि हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। अब ये क्या करेगा, नाइट्रोसोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये नाइट्रोसोनियम। ओके, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देगा, और क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। ओके, अब इसको तो, इस वाले नाइट्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन हमारा, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया था, बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसने तो हमने लोन पे क्या कर दिया, बॉन्ड बनाने के लिए दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर। और इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को मीन्स डायल्यूट करने के लिए क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन होगा ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देगा, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर दूसरा क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ना, इसका रीअरेंजमेंट होगा।
मीन्स ये पाई बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा और ये अभी हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ऐसे रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट के बाद हमें क्या मिला, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ गया और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ से यहाँ आ गया। तो अब हमें ये स्ट्रक्चर मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने एसिड यूज किया था तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, एक प्रोटोन क्या होगा यहाँ पे आके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। और जैसे कि हमने देखा कि जब भी प्रोटोनेशन होता है, पहले भी हमने देखा था जैसे कि यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ था तो क्या होता, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया था और क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा था। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ना बॉन्ड बनाने के लिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको डाइल्यूट करने के लिए क्या करेगा, ये इस वाले बॉन्ड से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और हमें क्या बाहर निकल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे और इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। तो अभी हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो डायज़ोनियम हो गया, अब हमें सॉल्ट चाहिए ना, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी रिएक्शन एक जैसे हम क्लोरीन ले लेते हैं, ओके, तो ये हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाए देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। और ये क्लोरीन हमें कैसे मिला, हमने जैसे कि स्टार्टिंग में HCl यूज़ किया था, एसिड है तो उससे हमें ये क्लोरीन मिल गया। तो अब यहाँ पे हमें फाइनल जो हमें चाहिए, हमारा डिज़ायर डायज़ोनियम सॉल्ट, वो क्या होगा, मिल जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये हमारा है डायज़ोनियम सॉल्ट, ये सेकेंड स्टेप। अब हमारा फाइनल स्टेप वो क्या है, डायज़ोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विथ CuCl। यहाँ पे हम हैलाइड या जैसे कि ये कॉपर हैलाइड है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हैलाइड क्लोरीन को ही लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम क्या इजीली इसको समझ सकेंगे। तो ये जो फाइनल स्टेप है, थर्ड स्टेप, ये भी दो स्टेप में कंप्लीट होता है, ओके, फर्स्ट स्टेप, ओके। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंगल, इसी की वजह से रिएक्शन होती है यहाँ पे, ओके, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, डायज़ोनियम सॉल्ट, तो ये थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सॉल्ट है ना क्लोरीन, ये इससे डिसोसिएट हो जाता है, ये क्लोरीन ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है और ये क्लोरीन अलग से, ओके, ऐसे हम लिख देते हैं, इसे हम इजीली अभी इसे समझ पाएंगे। और हमारा जो कैटलिस्ट था CuCl हैलाइड, कॉपर हैलाइड, ये कॉपर है, अभी ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे, क्योंकि ये इसका इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसे कहते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसने किसी को डोनेट किए दिए हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, ठीक है। तो कॉपर ने यहाँ पे क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को दिया, तो इसके पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, प्लस वन, ये इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होना, इलेक्ट्रॉन को किसी और को देना, ओके, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस वन, और जो कॉपर है इसके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और होता है, ओके, तो अभी ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, प्लस ऑक्सीड वन, प्लस वन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, अभी ये क्या करेगा, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन को दे देगा, ओके, नाइट्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस नाइट्रोजन को दे देता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि इसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन का इनिशिएशन होगा यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसको दिया, अभी यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ये नाइट्रोजन के ऊपर से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, ओके, पॉजिटिव चार्ज हट गया। अब ये जो नाइट्रोजन लिए क्या होता है, ये जो क्लोरीन होता है ये क्या होता है, ये इस कॉपर के साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, क्लोरीन कॉपर, और ये दूसरा कॉपर यहाँ पे आके जुड़ गया। अब जैसे देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया था, तो इसका प्लस वन चार्ज हो गया था,
दूसरा इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे दिया, तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसने दो इलेक्ट्रॉन मींस एक तो इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी होगी, तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? कॉपर की प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, समझ में आया? यहाँ पे प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, नाइट्रोजन को दिया, नाइट्रोजन को देने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? प्लस टू हो गई। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ओके, अब हम सेकेंड स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सेकेंड स्टेप में क्या, यहाँ पे अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है बॉन्ड से क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये बेंजीन भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये बॉन्ड का यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन यहाँ पे कैसा हो रहा है, फ्यूजन होमोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन होता है तो क्या होता है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये होमोलाइटिक फ्यूजन हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये नाइट्रोजन ने ले लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन ने ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमें एक बेंजीन मिलेगा विथ वन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन तो रिलीज हो जाएगी। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन से N2 क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। ओके, और हमें ये फ्री रेडिकल, बेंजीन का फ्री रेडिकल मिल जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये जो कॉपर है, तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, अभी हमें हैलाइड चाहिए। ओके, यहाँ पे हमें रिएक्शन करवानी है। लास्ट हमें हमारा डिजायर प्रोडक्ट क्या था, एरिल हैलाइड था, अभी हमें हैलाइड चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये कॉपर भी क्या करेगा, होमोलाइटिक फ्यूजन करेगा। ठीक है, अब होमोलाइटिक फ्यूजन, जैसे कि हमने देखा है कि ये कॉपर अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरीन विथ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये देखो फ्री रेडिकल्स बन गए। अब ये दो फ्री रेडिकल क्या करेंगे, ये क्लोरीन यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये बन गया क्लोरोबेंजीन प्लस ये जो कॉपर यहाँ पे इसका फ्यूजन हुआ था, तो ये वापस, अब जैसे कि ये कैटलिस्ट होता है, तो कैटलिस्ट क्या होता है, जैसा पहले होता है रिएक्शन के बाद भी हमें वैसे ही मिलता है। तो ये क्लोरीन तो यहाँ से हट गया, दूसरा वाला तो पहले था वैसा का वैसा, हमें मिल गया ये कॉपर। ठीक है, इसके पास पहले जैसा एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, प्लस वन। इन जो इनिशियल स्टेट में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो कि वो वापस इसने रीगेन कर ली। ओके, तो इस तरह से हमें क्या मिला, हमारा एरिल हैलाइड। इस तरह से ये इसका पूरा मैकेनिज्म है।